सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो जैसा कि आप सबको पता है, एग्ज़ाम के हमारे थोड़े दिन रह गए हैं और हम सिलेक्टेड से टॉपिक्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो भी बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ। एक और अच्छी अप्रोच की बात करूंगा, वो है मेरा माइक्रो कोर्सेज या माइक्रोवर्ज जिसे हम बोलते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वाई माइक्रो कोर्सेज इंपॉर्टेंट एंड वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। अब इसमें बच्चों आपको पूरा कोर्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें वो चीज़ कीजिए जिसमें आपको डर लगता है या जिसमें आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, उसी के आप लेक्चर्स प्रिपेयर कीजिए, उसी को आप लीजिए। पूरा कोर्स का पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो दैट इज़ द ब्यूटीफुल सिनेरियो एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो कोर्स और माइक्रोवर्स। तो चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने लगे। होपफुली इसके पहले जो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज का जो मैंने सेशन किया था, आपको डेफिनेटली पसंद आया और बच्चों के रिवर्ट भी आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दैट। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने लगे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट विद मिनिमम कैलकुलेशन। आज आपको एक और चीज़ बताऊंगा, शॉर्टकट्स। शायद कुछ बच्चे इसको वेरिएबल अप्रोच से करते हैं, कुछ बच्चे इसको मतलब दूसरे अप्रोच से करते हैं, बट मैं आज आपको एक ऑप्शन पुटिंग बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया था आपके पास, अभी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है एक, तो हम चलिए उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ जुड़े रहिए सनी सर के साथ आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। चलिए चलिए बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करें, बहुत बढ़िया पहला क्वेश्चन है हमारे पास आज। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 40 रुपीज एंड गेट्स एक्स परसेंट प्रॉफिट, वेयर एज व्हेन ही सेल्स एट 20 रुपीज ही फेसेस सेम परसेंटेज ऑफ लॉस, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। और ये आपका क्वेश्चन है 2018 का सी सेट का। हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कैसे देखते हैं और कैसे आप इसको हैंडल करेंगे, बताइए मुझे। देखो सबसे पहले लूपिंग वाला क्वेश्चन बोलता हूँ इसको मैं। लूपिंग कैसे, जितना मेरे पास प्रॉफिट उतना मेरे पास लॉस, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जितना मेरे पास प्रॉफिट उतना मेरे पास लॉस। देखो सीधी सी बात है, एक मेरे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, आई डोंट नो अबाउट कॉस्ट प्राइस, तो मैंने इसको सीपी ले लिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, मुझे दो सेलिंग प्राइस दिए, इजंट इट। पहला क्या बोल रहा है वो, सेल्स एन आर्टिकल 40 रुपीज, इसका मतलब डेफिनेटली जब मेरा सेलिंग प्राइस 140 है, सो मैं क्या बोलूंगा, मुझे एक्स परसेंट का क्या हो गया यहां पे, प्रॉफिट, इजंट इट। यस इट इज। तो एक्स परसेंट का क्या हो गया मेरे को, प्रॉफिट। अब सेकंड थिंग इज दैट, वो कह रहा मेरे पास कि अगर इसको मैंने सेलिंग प्राइस 2 पे बेचा, यानी सेलिंग प्राइस 2 मेरा कितना है 20, तो मेरे को यहां पे क्या हो गया, एक्स परसेंट का लॉस। देखो बड़ी सारी चीजें हैं, आप प्रॉफिट हैंडल कर लो, लॉस हैंडल कर लो, दोनों को बराबर कर दो, परसेंटेज का आपका आंसर आ जाएगा, बट दैट इज नॉट द वे ऑफ टीचिंग है। वो यहाँ का मेथड नहीं है, वो किताब का मेथड है, रटा रटा है। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, और डेफिनेटली आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आप माइक्रो कोर्सेज खरीदेंगे ना, माइक्रो कोर्सेज में भी इसी तरीके से क्वेश्चन बाय ऑप्शन पुटिंग से किए हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे ही अच्छे वे से हैं, ठीक है, रेशो से हैं, इससे हैं, परसेंटेज सॉल्व किए हुए हैं। अब मेरी बात सुनो, देखो मैं करता हूँ, बड़ी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जैसे मैंने लिया, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 10 होता, सपोज करो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 10 होता, तो कितने का प्रॉफिट, आप कहोगे सर 30 रुपये का प्रॉफिट होगा, कितने पे, 10 पे, भाई ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, ऑलमोस्ट 300% का प्रॉफिट हो गया मेरे पास। यस, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अब खुद सोचो, अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास 10 है, खुद सोचो कॉस्ट प्राइस 10 है और उसको 20 से बेच दिया, तो भाई लॉस तो हुआ ही नहीं। ये डिट्टो वही क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है, तो भाई ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म। मैं अगर इसको ना भी सॉल्व करूँ ना, देखो अगर मैं आपको बताऊँ, मैं इसको ना भी सॉल्व करूँ ना, जब भी मेरे पास थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज़्यादा नहीं, कि भाई 10 रुपये की चीज़ 20 में बेचोगे तो लॉस तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस है ना, वो 20 से बड़ा होना चाहिए। ये बात समझ आएगी नहीं आई, प्लीज़ अगर समझ आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट भी जरूर करना। तो बेटा ये खत्म, बिकॉज 20 की चीज़ 20 पे बेचूंगा तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन आएगी, ध्यान रखिएगा। थर्ड चीज, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 30 होता, अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, तो मैं क्या बोलता, 30 की चीज 40 में, यानी कितने का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट, कितने पे, 30 पे, यानी मैं बोलूं 1/3 प्रॉफिट हो गया, 100 करने की जरूरत नहीं, 33.33 आएगा। यहां पे देखो क्या, अगर मैंने 30 की चीज 20 में बेची, तो क्या कहोगे भाई, 10 का लॉस कितने पे, तो क्या ये भी 1/3 आ गया, तो डेफिनेटली मेरा ऑप्शन नंबर
सी आंसर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगाना बच्चों, समझ आया था ना धमाकेदार क्वेश्चन। यही अप्रोचेस माइक्रो कोर्सेज के अंदर बताई गई हैं सारी, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। चलो बच्चों, गोपाल बॉन्ड अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट, देन राम वॉन्टेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस, वट विल बी गोपाल पोजिशन इफ ही एग्रीड, अगर वो मान जाता है तो क्या पोजिशन होगी। देखो कुछ नहीं है भाई, सबसे पहले सपोज करो गोपाल के पास 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, उसने राम को बेच दी 10% के प्रॉफिट पे, यानी कितने पे, 110 पे बेच दी। अब राम ने क्या किया, गोपाल को दोबारा बेच दी कितने परसेंट के लॉस में, 10% है 110 का, 10/100 -11 करो कितना हो गया आपके पास, 99। इसका मतलब जो 100 रुपये की चीज थी वो कितने की मिली, 99 में, डेफिनेटली क्या हो गया, गेन ऑफ 1%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ इसमें करने वाला था ही नहीं, क्या एक्स्ट्रा बताऊँ इसमें, तो सिंपल सिंपल मेरे पास हो रहा था, डन। आप एक चीज़ और कर सकते थे कि पहले गोपाल ने क्या किया, 10 की चीज़ 11 में, फिर 10 की चीज़ कितने में लॉस में, 9 में, यानी जो 100 रुपये की चीज़ थी जो उसको जो उसने 100 में बेची थी अब कितने में मिली, 99 में, तो डेफिनेटली 1% का प्रॉफिट हो गया उसको, डन। ऐसे भी कर सकते थे। चलिए ये क्वेश्चन था अपना, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का। ए प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% एंड न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। करो बच्चों इस क्वेश्चन को, करिए प्लीज प्लीज करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है काफी है। करिए, कैन नॉट डिटरमाइन डाटा इनसफिशिएंट तो हटाई दो, क्योंकि मुझसे परसेंटेज नहीं पूछा है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज हो ना तो एक्चुअल डाटा कभी भी मैटर नहीं करता, मतलब जितने मर्जी रुपए लिए हों, 100 ले लो 1000 ले लो, कभी भी आंसर चेंज नहीं होगा। बट वो जब ही होगा जब प्रश्न में आपको क्या दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा और आंसर परसेंटेज में पूछ लेगा। जैसे ये प्राइस ऑफ आर्टिकल डिक्रीज बाय 20%, देखो सबसे पहली बात मैं अगर बात करूँ, मैं 100 से भी करके दिखाऊंगा और रेशो से भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर डिक्रीज बाय 20% है तो 100 रुपये की चीज़ थी कहाँ पे गई, 20% डिक्रीज हो गया, तो -20 करो कितना बचा, 80। अब वो क्या कह रहा है, इंक्रीज बाय 25%, अब इसका 25% कितना हो, देखो यानी 80 का 25%, तो 80 इंटू 25 बाय 100, 2500, तो 20 और जोड़ दो ये कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब जो 100 रुपये की चीज़ थी वो कितने में गई, 100 रुपये में, तो क्या आंसर आ गया, 0% है। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, नो चेंज कंडीशन, समझ आ गई बच्चों, ये कौन सी है मेरी, नो चेंज कंडीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप एक और तरीका इसका मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो अगर डिक्रीज है 20% का तो 20% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/5, तो 5 की चीज 4 में, ओरिजिनल रेशो फाइनल करो जैसे हम करते हैं हमेशा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है मेरी, इंक्रीज बाय 25%, यानी 4 की वैल्यू कितनी, बिकॉज 25% का मतलब क्या हुआ मेरे पास, 1/4, तो देखो जरा 5 × 20, शुरू में अगर 20 था एंड में कितना हो गया, 20। आंसर इज, सॉरी आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0% चेंज या नो चेंज बोलूंगा इसे, डन, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए अगेन यूपीएससी 2020, अ पर्सन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख, इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, यदि उसे 20% की हानि होती है, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, जवाब है रेशो, और कोई तरीका अपनाना ही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अगर 20% का बच्चों लॉस है, सो 20% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/5। अगर मैं सीपी और एसपी की बात करता हूँ, लॉस है तो 5 की चीज 4 में। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू कितनी दी है,
3 लाख कितने टाइम्स, अगर 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 75 और 30, क्योंकि 75 गुना 4 कितना होता है 300, और 30 ऐसे कैसे लग गए। अब मुझे क्या करा भाई, 5 की वैल्यू तो यानी कितना टाइम्स हो गया 75,000 टाइम्स। कुछ नहीं करना, देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक यूनिट का, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 75,000, तो इसमें 75,000 ऐड कर दो आंसर इज। कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं आपको, मैंने क्या बोला दोबारा देखो, जिन बच्चों को कैलकुलेशन से डर लगता है ना स्पेशली उन्हीं के लिए करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। कि देखो आपको ज़रूरत नहीं है 5 × 75 करने की, जब इतना आएगा 3.5 लाख और 25,000, 3,75,000। बट यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, एक का, इसका मतलब ये इसे एक बड़ा है, और अभी अभी मैंने एक की वैल्यू कितनी निकाली है 75,000, तो इसका मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा ना इससे 75,000 रुपये बड़ा होगा, बस बात खत्म। समझ आई बात, चलिए होपफुली, देखो बड़ी प्यार से करा रहा हूँ करिए। इफ सो हम वाइल सेलिंग टू गोड्स एट द सेम प्राइस मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द वन गोड एंड सफर द लॉस ऑफ 10% ऑन द अदर वन। ये है यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्रश्न है, प्लीज इसको ट्राई कर सकते हैं आप। ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपके यूपीएससी 2014 में, करिए। देखो सो हम वाइल सेलिंग टू गोड्स एट सेम प्राइस, इसका मतलब मेरे पास क्या, ये सेम सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सेम और सेम सेलिंग प्राइस। इसमें क्या दिया है, इफ सो हम वाइल सेलिंग टू गोड्स एट सेम प्राइस 10% ऑन द वन। देखो अगर मैं बात करूं सीपीएसपी की, ठीक है बच्चों, अगर पहले की मैं बात करता हूं, अगर 10% का प्रॉफिट है, 10% के प्रॉफिट का मतलब 10 की वैल्यू कितनी है 1/10, यानी जो 10 रुपए की चीज है कितने बेच दी 11 में। दूसरा क्या कह रहे हैं, एंड सफर द लॉस ऑफ 10% ऑन अदर, इसका मतलब दूसरे में क्या हो रहा है, तो 10 की चीज 9 पे बेची होगी, सिंपल। बट क्वेश्चन में मुझे साफ साफ बोला गया कि भैया इनका सेलिंग प्राइस सेम है, एक का सेलिंग प्राइस 11, एक का प्राइस 9 है, अभी तक कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो क्या करो, इसे कर दो 9 से गुना, इसे कर दो 11 से गुना, समझ आएगा। और याद रखना अगर आप सेलिंग प्राइस सेम करोगे तो सेम नंबर हैज़ टू बी मल्टीप्लाई विद कॉस्ट प्राइस ऑल्सो। सो हियर वी गो, 90 कितना हो गया मेरे पास 99, 110 और ये कितना हुआ 90। सो यू कैन से दैट जो चीज़ मेरे पास 200 की थी वो कितने की बेची मैंने 198 की, यानी अगर 100 रुपये की चीज़ होती तो मैं कितने की बेचता 99 की, इसका मतलब क्या हुआ 1 रुपये का लॉस कितने पे 100 पे, तो आंसर कितना हुआ, हिमे का सफर्ड अ लॉस ऑफ 1%। इज दैट क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, क्लियर बच्चों। चलो नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें, आई डोंट थिंक सो, कोई डाउट होना चाहिए। चलिए बच्चों देखो मैं एक बात मानता हूँ, सिलेक्शन होती है स्मार्ट तरीके से, पता है स्मार्ट वर्क इज प्रायोरिटी होनी चाहिए स्मार्ट वर्क, और एक स्मार्ट वर्क क्या है, वो है आपका माइक्रो कोर्सेज, अभी पीडीएम माइक्रो वर्स है, माइक्रो कोर्सेज इज वेरी स्मार्ट थिंग। जब आप जाओगे, देखो 6 मिनट का ट्रायल है, मैं नहीं कह रहा खरीदो, आई एम नॉट सेइंग परचेज इट, बट जो 6 मिनट का ट्रायल है एटलीस्ट उसे आप जब क्लिक करेंगे उसमें आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स अभी टाइम है, कर लो, जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा भैया कितने परसेंट क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, अभी पता चल जाएगा, अभी बताऊंगा एंड में क्लास के, ठीक है जी। चलो बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 800 अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो हैज टू मेक अ लॉस ऑफ 25%, बताइए। दो तीन चीजें बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, बड़ी प्यारी है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो बाय सेलिंग एन आर्टिकल 800 शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो अगर मैं बात करूं सीपीएसपी की, वो क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 800, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास 800, शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/4, यानी सीपी अगर 4 था तो इस पर कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू कितनी है 800, कितने गुना 160 गुना, यानी 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 800, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 160 गुना, तो इसको भी 160 गुना करो तो 16 चौके कितना हो गया 640, इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना गया 640। अब वो मुझे क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो टू मेक अ लॉस ऑफ 25%। नेक्स्ट थिंग देखो मेरी बात सुनो,
अगेन अगर मैं सीपीएसपी की बात करूं, सीपी कितने मेरे पास 640, यानी और 25% लॉस का मतलब 4 की चीज 3 में, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है अब 640, कितने गुना 160 गुना, तो इसको भी 160 से गुना कर दो, आंसर कितना आ गया 480, डन। तो 480 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बट मैं उन टीचर्स में से हूँ यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं जो अलग कहीं पे नहीं बताए जाते। रीज़न क्या है, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, क्या मेरे पास ये निकालना ज़रूरी था? सोचे देखो, क्या ये निकालना ज़रूरी था? कोई ज़रूरी नहीं था। क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों निकालना ज़रूरी नहीं था। थोड़ा सा इसको साइड करें, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, ध्यान से समझना प्लीज़, ध्यान से समझ लें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। देखो वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले 100 रुपये की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो, आप बेच रहे हो कितने में, 125 में। फिर आप क्या कह रहे हो उसको कितने बेच रहे हैं मुझे, 75 में। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जब मैं 125 से बेच रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी है, 800। यानी मैं सिंपल से मैं ये करूँ, 75:1 कितना 125, ये मेरा SP1 है, ये मेरा SP2 है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू कितनी दी, अगर मैं से करूँ 3:4, 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 800, 25 सॉरी ना कि 4 5, 25 थी या 75, 25 125, कितने गुना भाई, 160 गुना। तो ये भी कितने गुना होगा, 160 गुना 16 दिए कितना हो गया 48, यानी कितना 480। तो कोई भी डाउट नहीं है कि ये निकालना मुझे कोई ज़रूरी नहीं था, यही डिफरेंस है जो बाकी जगह नहीं है। और माइक्रो कोर्सेज में हर तरह के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलने वाली ये चीज़, क्लियर है? चलिए होपफुली क्लियर हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट लूपिंग में आ सकता है। सो ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सोल्ड सेम टू सी एट अ लॉस ऑफ 25%, सी सोल्ड टू सेम टू डी एट प्रॉफिट ऑफ 40%, डी पे 252 फॉर दिस आर्टिकल द देन फाइंड हाउ मच डिड ए पे फॉर इट। ए ने कितना पे किया बताओ, ए ने कितना पे किया इसके लिए बताइए। चलो देखो, सबसे पहले 20% का मतलब कितना है मेरे पास, 1/5, बी सोल्ड टू सी लॉस ऑफ 25% का मतलब कितना, 1/4, प्लस का मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब लॉस, ठीक है। सी सोल्ड टू सर डी एट प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% का मतलब 2/5, और ये भी क्या है, प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं बात करूं ओरिजिनल और फाइनल, है ना, ओरिजिनल और फाइनल की बात करूं, देखो सबसे पहली बात प्रॉफिट है। पहले क्या किया, ए ने क्या किया, 5 रुपये की चीज़ कितने बेच दी बेटा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइनस है तो 4 की चीज़ कितने में, 3 में, नंबर 3, 5 की चीज़ कितने में, 7 में, ठीक है जी। देखो अगर मैं इसको देखूँ, ये कितना है, 5 5 25 4 100 100 आ गया, ये कितना हो, 7 21 21 गुना 126, ठीक है 126। अब मुझे क्या दिया हुआ है, इसका मतलब ये मेरे पास ओरिजिनल प्राइस और फाइनल प्राइस का रेशो आता है हमेशा। ये किसका रेशो आता है स्टूडेंट्स, मेरे पास ओरिजिनल प्राइस एंड फाइनल प्राइस का। तो 126 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इंटू 2 252, तो ये भी कितना हो गया, 2 गुना कितना आ गया मेरे पास, 200। ऑप्शन नंबर सी इज द, वरना क्या क्या करोगे, क्या क्या टिकट अपनाओगे मुझे भी पता है, समझ आ गई बात। सो दैट वॉज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपको समझ आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, और हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इसमें क्लियर करने की सोची थी जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज अभीपीडिया माइक्रोवर्स। देखो मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताया ना, मैंने जो भी आपको अभी डिस्कशन किया, जो भी कॉन्सेप्ट बताया ना, उसी कॉन्सेप्ट और लेवल्स के क्वेश्चन आपको आते हैं, और वही चीज़ सारी की सारी अभीपीडिया माइक्रो कोर्सेज में मैंने किया हुआ सारा का सारा। जब आप देखोगे ना, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो आपका क्वांट का कोई टॉपिक हो, सारे के सारे A to Z कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं हुआ, ठीक है। अब वाई माइक्रो कोर्स आपको लेना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है। लिंक तो बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा इसका, ठीक है।
चलिए देखिए, सबसे पहले चूज एग्जाम सिविल सर्विसेज सीसेट, और दो तीन चीज़ें और भी मैं बताना चाहूँगा आपको इसमें एडिशनल एड ऑन है, जो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखो सबसे पहली बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है तो यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, आपके दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, कॉल भी है व्हाट्सएप, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखो मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, पूरा बंडल है 3657 रुपीज़ का, डोंट बाई, इतना मत खर्चिए। जैसे देखो वाई दिस इज स्पेशल, वाई दिस इज यूनिक, देखो जैसे हम बात करूँ नंबर सिस्टम की, ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो, जहाँ से क्या आता है, देखो आपके 21.88% क्वेश्चन इन मैथ एंड मेंटल एबिलिटी वर फ्रॉम दिस टॉपिक इन प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स एग्जाम। इसका मतलब जो आप सीसेट का एग्जाम दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 22% क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 21-22 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं आपके। सो क्या है बेटा इसमें, 308 रुपये का है, 10 क्लास वीडियो लेक्चर से, मतलब दो तीन दिन में सारा का सारा नंबर सिस्टम खत्म, अपने 22 नंबर पक्के। बट कैसे, जब तक माइक्रो कोर्स के साथ जुड़ोगे नहीं पता नहीं चलने वाला। दूसरी बात क्या है, नो वेब नोट्स, मतलब सारे के सारे थ्रेटिकल पार्ट, और 364 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 364, प्लस आप इसका फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई लेना ही लेना है, ट्रायल लीजिए उसके बाद डिसाइड करो यू हैव टू परचेज और नॉट। जैसे मैं नेक्स्ट बात करूँ सिंप्लीफिकेशन, 112 रुपये का 4 लेक्चर से 1 वेब नोट्स है और 111 MCQs हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज, परमिनेशन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एवरेज, तो जो भी पार्ट आपका अनक्लियर है उसको क्लियर करने का बहुत अच्छा मौका है स्टूडेंट्स अभी PDF माइक्रो कोर्स या माइक्रो वर्ड्स के थ्रू। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्यों अभी तक क्यों नहीं लिया है मुझे नहीं पता, कितने सारे बच्चे हैं, आपको ग्रुप्स में भी ऐड किया जाएगा, सब होगा वहाँ पे, आप क्वेरी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।